अज असी खड़े हाँ पलथ काली बेंज के घाट से जिथे कि हड़ का जोड़ा पानी काफ़ी आया होया तो साढ़े न अज इतने मौजूद ने प्रसिद्ध लेखक मीर चंद जी सिद्धू तो आज उस आप जानते हाँ कि जोड़ा अज हड़ है वो पानी के बारे तो होर भी जी गलबात मीर चंद सिद्धू जी ने करा रहे हैं। आज जरा देख रहे हो हड़ का पानी काफ़ी बहा पानी का हैगा की कहना चाहोगे इस बारे? चीमा साहब पानी जोड़ा ये बरसाती पानी है इधरों पिछु आ रहा काफ़ी और बारिश लगातार होने करके ना जी काली वही है ये पानी का पद्धर काफ़ी उच्चा हो चुका है तो वध चुका है पानी तो काफ़ी तेज रफ्तार के नाल पानी वह रहा है तो ये नाल एक तो जिहड़ा काली वही के नाल स्थित किसानों की जमीन लगती है और फसलों का भी काफ़ी नुकसान हो चुका है और ये पानी का तेज रफ्तार होने करके पानी पिछों आ रहा होर भी लगता पाया जिस करके पानी का पद्धर वध रहा जी। तो जिस तरह बरसात हो रही है तो बरसात के अजक जोड़ा बीमारियां भी फैलन का डर रहा इनफेक्शन होने का भी डर रहा है तो जिस तरह डेंगू हो गया बुखार हो गया तो उस बारे तुम की कहना चाहोगे? देखो चीमा साहब एक तो जो बरसाती मौसम हैगा है बरसाती मौसम के एक हड़ा वर्गी जी स्थिति बनी हुई है साढ़े इलाके अंदर भी और बाकी जोड़ा खेतर काफ़ी व्डे पद्धर से हड़ आए हुए हैं और पानी दे मतलब आन करके जा बरसाती मौसम दे करके इन्फेक्शन अक्सर फैलती है और मैं यही सुझाव देना चाहूँगा आवाम नू कि साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए घर जिहड़े अपने जिस तरह खाली बर्तन दे विच पानी भर जाता है जा छत के उपर टायर पे होंगे है उन्हां विच पानी भरिया रहिंदा है ना काफ़ी दिनों तक उहदे विच फिर की हुंदा है कि डेंगू का मच्छर जिहड़ा आ पैदा हो जाता है जिस दे नाल डेंगू का लारवा पैदा होकर तो डेंगू मच्छर कट्टन दे नाल फिर जिहड़ा है ना वो एक अपने डेंगू बुखार शुरू हो जाता है तो इस करके आप सुझाव देना चाहते हैं कि मतलब साफ सफाई का घर खास ख्याल रखा जाए और पानी उबाल के पीना चाहिए है क्योंकि मौसम जोड़ा है बरसाती मौसम जो इन्फेक्शन वाला मौसम है। जिस तरह बरसात हो रही है तो पलथ शहर के अंदर भी आप देखा जाए तो गलियां नालियां जड़िया उ घर भी पानी आता है या किस तरह? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आप हम इस टाइम भी इतने देखो वही कंडे बिल्कुल स्थित हैं लागे काली वही चल रही है पानी बहुत तेज रफ्तार मात्रा में आ रहा और गलिया नालिया की गल करिए पानी काफ़ी मात्रा में फैल जाता है कई थावां ते निकासी ना होने करके काफ़ी मुश्किल आ रही है लोगों को इस करके कहना भाव है भी ये भी ध्यान रखना चाहिए है आपां नूं अपने इर्द गिर्द आला दुआला साफ सुथरा रखना चाहिए है ठीक है ना। जेकर आने वाले दिन जेकर लगातार बरसात होंगी रही तो फिर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? चीमा साहब जेकर इस तरह ही बारिश लगातार होंगी रही तो पानी का बहा तेज बढ़ता गया तो इलाके अंदर जोड़ा है होर भी जोड़ा नतीजे जोड़े आ मतलब भयानक निकल सकते हैं पानी के क्योंकि पानी बदन करके हड़ा वर्गी स्थिति अपने इलाके अंदर भी बनी हुई है क्योंकि पानी तेज बहा है मतलब इस करके थोड़ा जा जेकर बारिश लगातार होंगी रही तो इलाके अंदर हड़ वर्गी स्थिति होर भी भयानक बन सकती है। जिस तरह इस बरसात नाल किसानां दीआं जिहड़ियां फसलां आ उन्हां च भी काफ़ी पानी खेतों से जा रहा है तो फसलां खराब होने का भी डर आ तो इस बारे तुसी की कहना चाहोगे? हाँ जी हाँ जी जिहड़ियां ते देखो ये किसानां दीआं जमीनां नाल लगदियां ने बिल्कुल वहीं दे ते काफ़ी नुकसान भी हो चुका है और जिहड़े झोने दे फसलां काफ़ी मारियां गईयां हैगियां ठीक है ना तो नुकसान तो यह काफ़ी होया जी जिहड़ियां मतलब जमीन नाल लगदियां ने वहीं दे बिल्कुल और काफ़ी पहला एक बार पानी उत्तर जाण करके लोगों ने दोबारा फिर झोने की बिजाई की है लेकिन दोबारा फिर कुछ दिन बारिश लगातार पई है और पानी वधन करके वो फिर जो झोना हड़ की लपेट में आ चुका है और किसानों का काफ़ी नुकसान होया जी। कि जोड़े छोटे छोटे बच्चे आ वो किस तरह के बच्च जरा नहा रहे हैं तो इन्हें कोई डर खतरा नहीं है जाना कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं कह रहे इन्हों कुछ नहीं आ बिल्कुल गलत है जी। देखो बिल्कुल वहीं दे घाट ते जिहड़े छोटे छोटे बच्चे आ के पानी विच वड़ के नहा रहे पानी का बहाव तेज होने करके बच्चों का नुकसान हो सकता है और ये प्रशासन को भी चाहिए इस पासे ध्यान देना और मैं समझदा कि जिहड़े पेरेंट्स हैगे बच्चों के उन्होंने भी इस पासे ध्यान देना चाहिए ये तो बहुत गलत गल हैगी है ठीक है ना। कोई बच्चा मान लो डोंबे चल जाता है तो मुड़ के और रूड़े पै जाएगा तो फिर कौन जिम्मेवार है तो ये प्रशासन भी इस पासे ध्यान देना चाहिए कोई मुलाजम तैनात कर और बच्चे आ के वहीं भी छाला मारते हैं छोटे छोटे बच्चे और ये बहुत नुकसान भी हो सकता है बच्चों का।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਿੰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਿੰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਹਾ ਰਹੇ ਔਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਵਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।